I heard it myself. My family is with me forever. Slaves are free. Says who? Lincoln. We must get to Lincoln's army. 5 days through this swamp. There are many ways to die in a swamp. There are many ways to die here. I will not be afraid. What can a mere man do to me? Follow the sound of Lincoln's cannons. I will look in triumph at my enemies. Welcome back to my channel. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. तो friend, क्या विल स्मिथ अपना दूसरा ऑस्कर जीतने के लिए दुनिया भर में सुनाए जाने वाले थप्पड़ के तनाजे पर काबू पा सकते हैं? यही वो सवाल है जिसका सामना एप्पल के सामने है. कि जब उसने ऐलान किया कि वो एक फरार होने वाले गुलाम के बारे में एक ड्रामा मूवी इमैनसेप्शन रिलीज करेगा, जिसमें एप्पल टीवी ने स्मिथ को $35 मिलियन अदा किए थे, स्ट्रीमर शर्त लगा रहे हैं कि ऑस्कर की तकरीब में जब स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था, तो थप्पड़ मारने पर स्मिथ पर 10 साल की पाबंदी लग गई थी और स्मिथ ने अपने एक वीडियो पैगाम में क्रिस रॉक से माफ़ी भी मांग ली थी. तो शायद ये वाकया एप्पल की आने वाली मूवी इमैनसेप्शन में, जिसमें विल स्मिथ मेन रोल में हैं, असरअंदाज ना हो. इमैनसेप्शन एक अपकमिंग अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा एक्शन मूवी होने वाली है. वेपर्ट पीटर, जिसके किरदार में विल स्मिथ पीटर की फातिहाना कहानी बयान कर रहा है, जो कि 1863 में एक ट्रू स्टोरी वेपर्ट पीटर की होने वाली है, जो गुलामी से फरार होने वाला एक शख्स था जो कि अपनी अकल और अटल ईमान और अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने के लिए 10 दिन तक सर्द खून वाले शिकारियों और लुइजियाना के नाकाबले माफ़ी दलदलों से बचता हुआ आखिर यूनियन आर्मी के पास पहुंचता है. यूनियन आर्मी के तिब्बी मुआयने में ली गई जो तस्वीर 1863 में इसकी पीठ को कोड़ों से छन्नी हुआ दिखाया गया है, ये एक ट्रू सर्वाइवल स्टोरी है, जिसको इस साल ऑस्कर में शामिल किया जाता है या नहीं ये तो ऑस्कर इवेंट होने के बाद ही पता लगेगा. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें.